ये जो तुम लोगों ने इतनी पढ़ाई करके डिग्री हासिल करी है ना, या तो इसे जला दो या फिर गंगा में बहा दो और एक चाय की टपरी खोल लो, क्योंकि डिग्री से ज्यादा तो चाय बनाने में स्कोप है। तुम डिग्री लेकर एक वीकेंड प्लान नहीं कर सकते, यहाँ लोग दुबई जा रहे हैं। आप भी आइए और दुबई का मजा लीजिए। तुम पढ़ाई करके जॉब कर सकते हो लेकिन बॉस नहीं बन सकते, लेकिन चाय बनाकर तुम देश चला सकते हो। सबसे पहले चाय वाला अगर कोई फेमस हुआ था तो वो थे मोदी जी, लेकिन उनकी फेम अब किसी दूसरे चाय वाले ने छीन ली है, क्योंकि हर ब्रांड की एक सस्ती कॉपी तो होती है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वायरल सेंसेशन डोली चाय वाला के बारे में। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा। डिग्री वालों से ज्यादा स्ट्रगल तो हमारे डोली भाई की है। दूध को अपनी जीप के पास से निकालना, वो भी बिना पिए, आसान थोड़ी है। इतनी गर्मी में सर पर झाड़ू जैसे बाल रखना, आसान थोड़ी है। सिक्स पैक्स एब्स वाली बॉडी को छुपा कर रखना, आसान थोड़ी है। लेकिन चाय बनाकर फेमस होना आसान है, चाय बनाकर दुबई जाना आसान है, चाय बनाकर डिग्री वालों पर मूतना आसान है, चाय बनाकर देश चलाना भावना में थोड़ा ज्यादा ही बह गया। डोली भाई की जैसी चाय ना कोई बना पाया है ना कोई बना पाएगा, क्योंकि उनकी हर हरकत में एक स्वैग है। उनका चश्मा, उनके कपड़े, उनके बाल, उनकी चाल। डोली भाई सिगरेट नहीं पिलाते, बल्कि वो तो सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं। वो लोगों को ऐसे सिगरेट पिलाते हैं कि उसका मुंह जल जाए और फिर वो बंदा कभी सिगरेट ना पी सके। धूम्रपान ना करें, ना करने दे। मुझे समझ नहीं आता इसकी चाय कोई पीता भी होगा। मैं बोलता ही क्यों, लेकिन 5 रुपए की चाय बेचकर डोली कितना ही कमा लेता होगा, उसका घर चल जाएगा इतने में। इतने में तो मेरा पूरा मोहल्ला खा लेगा यार। लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा थोड़ी ना है कि कोई गाड़ी खरीद ले। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है। चलो गाड़ी वाड़ी तो आजकल लोग किराए पे भी ले आते हैं, प्लेन में थोड़ी ना बैठ सकते हैं। प्लेन में बैठकर ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से जयपुर ही गया होगा, परदेश तो जा नहीं सकता। हबीबी, फिर भी इसकी शक्ल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई खूबसूरत लड़की से मुंह भी लगाएगी। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई और कुछ बचा है जो इस बंदे ने ना किया हो? तू बंद कर बे कैमरा, मुझे नहीं करनी शूटिंग वूटिंग, मैं जा रहा चाय की तड़ी खोलने। बंद कर, बंद कर। तो आज हम आए इंडिया के मोस्ट वायरल चाय वाले के यहाँ, बाबू चाय वाला। तो चलिए आज करते हैं इनसे हम कुछ वार्तालाप। बना लियो गरम गरम। भैया क्या आप ही बाबू चाय वाला? हाँ भैया, आप भी हमारी वायरल रील देख के आए हो। हाँ हाँ सही समझे। ये फोटो किसका है? ये हमारे गुरु है, हम इनके चेला हूँ। आज हम जो कुछ भी हूँ सब इन्हीं की बदौलत है। पहले हम महीने के 10,000 कमाता था, आज हम महीने के 1,00,000 कमाता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? क्या कर दिया, क्या कर दिया? पहले चाय को कौन जानता था है? आज देखो पूरी दुनिया में उसका डंका बजा हुआ है। किसकी बदौलत? इन्हीं की बदौलत है। पहले अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है? आज हम कहते हैं तुम कौन हो बे? अमेरिका कहता था चार चवन्नी घोड़े पे, आज हम कहते हैं अमेरिका हमारे घोड़े पे। और पूछते हो तुम क्या किया इन्होंने? गुरुजी नादान है ये। आप चाय को कितना ऊपर ले जाना चाहते हो? कितना ऊपर? आज हमारा कंपटीशन स्टारबक्स से है, और वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया का बच्चा बच्चा चाय पिएगा। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न ये था कि आप यूथ को कोई संदेश देना चाहोगे? हाँ, हम इस यूथ को एक संदेश देना चाहेंगे। बबुआ, डिग्री विग्री में काही ना रखा, चाय की टपरी खोलो, उसमें स्कोप है। किसी के नीचे जॉब करने से अच्छा है खुद का बिजनेस करो और महीने के 1,00,000 कमाओ। तो ये थे हमारे मोस्ट वायरल बाबू चाय वाला। जितनी ख़राब इनकी चाय थी उतनी ख़राब इनकी एडवाइस भी थी। तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, IAS बनो, देश संभालो। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए खान टीवी के साथ। बाबू माधव। तो अगर तुम लोगों को भी लगता है कि कॉलेज में डिग्री के लिए माता पच्ची करने से अच्छा चाय के बिजनेस में फ़ायदा है, तो लाइक मारो और अपनी थड़ी का नाम कमेंट में लिखो। और ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो यार, उस लाल वाले बटन पर चाय फेंक कर मारो या अपनी डिग्री फेंक कर मारो, मैं नहीं जानता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी चाय की थड़ी खोलनी है। प्रफुल्ल भाई प्लीज़ मेरी वीडियो पर कमेंट मत करना, वरना मेरे भी हल लग जाएंगे।